तो आप देख सकते हैं इन भाई का भी जो रूम है वो भी काफी बड़ा मुझे लगा, ऊपर था उसी साइड का है जो बाकी है। नमस्कार, मैं हूँ शुभम दिवाकर, आप देख रहे हैं शुभम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम नेहरू बिहार में मौजूद हैं, जो कि हम अभी आए थे। अंशु भाई का रूम आपको दिखाया और एक और भाई थे उनका भी रूम आपको दिखाया, और ये सामने अंशु भाई का ही रूम है। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे। नीचे कौन कौन से भाई रहते हैं? गोपाल भाई और गोपाल और डीके, गोपाल भाई और एक डीके भाई है, वो रहते हैं। उनके रूम पे जा रहे हैं और आप देखिए कैसे ये जीना है, और जीना से हम उतर के उनके रूम पे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जीना है। और आप देख सकते हैं पढ़ाई करने वाली जहाँ पे ये स्पेस है खाली सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इतनी खाली जगह है। इधर इनका जो बाथरूम वगैरह है, ठीक है, वो है। और यहाँ पे इतनी सारी जगह खाली है। इधर इनका किचन है। देखिए अभी भाई के रूम के अंदर हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री करते ही भाई यहाँ पे बैठे हैं। क्या नाम है भाई आपका? डीके साहू। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? अभी यूपीएससी की। कितने दिनों से कर रहे हैं आप? अभी तो यहाँ आए दिसंबर से। दिसंबर ही हुआ है आपका? तो आपने एक साल हो जाएगा। जब आप यहाँ पे आए थे तो आपने आपको रूम कैसे मिला आपको? पहले तो अपने ये फ्रेंड लोग थे तो उन्हीं लोग के थ्रू मिल गया था। यानी उन्हीं लोग के साथ शिफ्ट हो गया था मैं। आप कहाँ से यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं? छत्तीसगढ़ से। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपेश नाम है ना? डीकेश भाई का यहाँ पे ये एक टेबल है, यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, अभी दृष्टि के साइड को ही देख रहे हैं। आप भी दृष्टि कोचिंग में पढ़ते हैं? हाँ। जब आपने ज्वाइन किया था तो आपका चार्ज कितना लगा था दृष्टि का? उस टाइम जीएस का 120 था। 120 था। तो आपका रूम दिखा दें, आपने किस तरीके से मेंटेन कर रखा है दूसरे बच्चों को? अरे रूम तो अस्त व्यस्त ही पड़ा है, तो हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे भी ऑनलाइन। इस साइड भाई ने एक टेबल लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो दृष्टि की बुक है ये सारी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक इन्होंने रख रखी है अपनी। यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए है। उसके बाद आइए आप भी आओ, आप बताइए। ये दृष्टि की ये देखो, ये इन्होंने बुक रख रखी है। ये पढ़ते भी हैं, और भी यहाँ पे बुक्स हैं बहुत सारी दृष्टि की हैं, और भी हैं उसके अलावा, वो भी पढ़ते हैं। ये आपकी दृष्टि की बुक आपको वहीं से मिली थी? हाँ, कोचिंग ही अवेलेबल कराती है। जब आपने ज्वाइन किया था तभी मिली थी आपको? हाँ, जैसे जो पार्ट होते जाते हैं वो देते जाते हैं। आपने यहाँ पे ये कौन सा चार्ट पेपर लगा रखा है? ये मैप है, देख ही रहा है। ये मैप इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। राजनैतिक, भारत राजनैतिक, और ये वाला लगा रखा है, ठीक है। एक मैप यहाँ लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है। अपने रूम को इन्होंने किस तरीके से मेंटेन कर रखा है। ये इनके में अकेला सिंगल बेड है? फोल्डिंग है क्या ये? हाँ, फोल्डिंग है। पहले दो लोग रहते थे, अब लॉकडाउन की वजह से एक घर चला गया, तो अभी इस रूम में सिंगल आप ही रहते हैं अकेले। हाँ। आपका रेंट कितना जाता है इसका? इसका हम लोग दोनों रूम मिला के 13,000। 13,000 उधर वाला और इधर वाला? अच्छा, तो 13,000 में है ये वाला भी रूम, और एक और रूम है वो वाला भी मिला के। इधर आप देख सकते हैं भाई ने और जो टेबल वगैरह हैं लाके अपनी बुक्स वगैरह जो भी सामान है इनका वो रख रखा है। और इधर ये दृष्टि का बैग भी आपने ज्वाइन किया होगा तो वहीं से मिला होगा आपको? हाँ। और ये क्या है आपका? वो हीटर, रूम हीटर है। तो आप पढ़ाई रात में करते हैं डे में करते हैं? हाँ, रात में प्रिपेयर करते हैं। अभी जो बच्चे आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहिए आप? बस यही कहना चाहूँगा कि पहले ही मेंटल प्रिपरेशन करके आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आने से पहले तो 1-2 महीने दिक्कत होती ही है। आप लॉकडाउन में घर गए थे या फिर यहीं थे? नहीं, मैं घर नहीं गया। आपने बोला कि मैं दिसंबर में भी अभी आया हूँ, ऐसा कुछ? दिसंबर मतलब पिछले दिसंबर में। हाँ, तो आप गए नहीं, आप खाना पीना खुद ही बनाते हैं? हाँ, खाना बनवाते थे, फिर जब से लॉकडाउन में तब से खुद बनाते हैं। वैसे जब अगर कोई बच्चा बनवाना चाहता है तो उसका कितना मंथली चला जाता है? ये तो कुक तो 1000 समथिंग लेते हैं। अब आप खुद बनाते हैं। वैसे बाहर का खाना अभी खाना सही है या नहीं लॉकडाउन में अभी कोरोना की वजह से बच्चों के लिए, जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए? वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बाकी अपने प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं इन भाई का भी जो रूम है वो भी काफ़ी बड़ा मुझे लगा, ऊपर था उसी साइड का है। तो बाकी के बच्चे के यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों के रूम देखे हैं, उनके मुकाबले ये रूम काफ़ी बड़ा है। हम चाहेंगे कैमरामैन आप अच्छी तरीके से दिखा दीजिए, ये रूम काफ़ी बड़ा है। इधर इनका जो बेड है सिंगल वो है, इधर खाली जगह है और इनका सामान पूरा रखा हुआ है। इधर भी इन्होंने भारत का संविधान जो है या भारत का संविधान जो आर्टिकल है वो लगा रखे हैं। इधर भी इनकी एक टेबल है और यहाँ पे बुक्स रखने के लिए जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी इन्होंने मेंटेन कर रखे हैं। इधर इनका लैपटॉप है, यहाँ चेयर है, इसमें आप जो रहते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होती है यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मकान मालिक कोई ज़्यादा किसी प्रकार का दबाव वगैरह डालते हैं? नहीं, मकान मालिक से तो उतना कांटेक्ट नहीं होता, वो अपने से मतलब रखते हैं हम अपने से। जो बच्चे अभी यहाँ आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, आना चाहिए या नहीं? अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि कोचिंग तो अभी खुलने वाली है ही नहीं, तो ज़्यादा बेटर होगा एक दो मंथ देख ले। अभी यहाँ केसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो बेटर होगा एक दो महीने देख ले, हो सके तो जनवरी फरवरी में ही प्लान बनाए यहाँ आने का। आपने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी है? हाँ, जाता था बीच में लेकिन अभी छोड़ दिया। लाइब्रेरी का आपका चार्ज कितना चला जाता है लगभग? वही 24 आवर्स कर लेंगे तो उसमें आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाता है। 1500 से 2000 के बीच में मिल जाता है। तो हम ये भाई के रूम में थे, आप अपना नाम बताइए दोबारा। डीके साहू। डीके साहू नाम है भाई का, इनके रूम में थे। हमने आपको इनका रूम दिखाया है किस तरीके से मेंटेन कर रखा है, ठीक है। बाहर हम आपको दिखा देते हैं, बाहर की तरफ आके जगह खाली थी वो हमने आपको दिखा दी। इधर इनका किचन है, ये खाना भी बनाते हैं। किचन दिखा दें आपका, ये इनका किचन है, आप देख लीजिए, ठीक है। जहाँ पर ये खाना बनाते हैं अपना, खुद ही पूरी मेहनत करते हैं। आप खुद देख लीजिए, अगर कोई भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो किस तरीके से उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं एक आईएएस ऑफिसर बन पाता है। घर से बाहर आके छोटे छोटे रूमों में रहना पड़ता है, कैसी कैसी हालत में रहना पड़ता है, तब जाके कहीं आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो हम भाई के रूम के बाहर हैं अभी, इनका रूम अभी मैंने आपको दिखाया। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। हम कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।